Hello, namaste everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we'll discuss about how to create a database with MS SQL, how to create a table, and how to use database. Okay, so let's start our MS SQL Server Management Studio. As a picture video, आपको बताया था बहुत सारा basic चीज login instant कैसे create करते हैं and हमारा नाम से कैसे login instant create करते हैं. आपको नहीं पता है तो that आप पिछले वीडियो में देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, नहीं तो मेरा प्लेलिस्ट में हो जाएगा. ठीक है, वो बेसिक एज ए बिगिनर यू हैव टू नो दैट. आपको पता होना चाहिए कि लॉगिन इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं एंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन विंडोज ऑथेंटिकेशन एंड एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन. वो आपको सब बेसिक चीज पता होना चाहिए. ठीक है, तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. एज फॉर आवर रिक्वायरमेंट टुडे, फर्स्ट मैं बता देता हूँ डाटाबेस का अंदर जो है, पहला ऐसे ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट ओपन होगा एंड इधर न्यू क्वेरी रहेगा. हम जो क्रिएट करेंगे न्यू क्वेरी के थ्रू हम क्रिएट करेंगे, समझ रहे हो. उसके बाद तो डाटाबेस का अंदर हम देखेंगे. मैं पहले से ही दो डाटाबेस बना चुका हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा आज कैसे डाटाबेस बनाएंगे. एज अ बिगिनर यू हैव टू नो दैट कि डाटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, टेबल क्रिएट कैसे करेंगे. कोई भी डाटाबेस का अंदर पहले आपको डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है वो सीखना पड़ता है, उसके बाद टेबल कैसे क्रिएट करना पड़ते हैं वो सीखना पड़ता है, उसके बाद टेबल का अंदर डाटा जो भी है यूजर इंफॉर्मेशनल एंड योर डाटा हाउ टू स्टोर एंड हुएर यू नीड टू स्टोर, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट यू हैव टू नो. ओके, तो स्टार्ट करेंगे अभी हम डाटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट डाटाबेस. मैं बता देता हूँ पहले हाउ टू क्रिएट डाटाबेस. ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम हाउ टू डाटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, समझ रहे हो. ठीक है, तो मैं पहले डाटाबेस बनाऊंगा. क्रिएट बहुत इजी सिंटैक्स से याद कर लीजिए, डाटाबेस प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा. क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम देंगे सपोज फॉरेस्ट इन्फो, फॉरेस्ट इन्फो हो गया, सिंटैक्स हो गया डाटाबेस क्रिएट करने के लिए. एंटर कर दिया कमांड सक्सेसफुली. इधर देखिए, मैं पहले से आप जैसे दिखाया था दो डाटाबेस मेरा था, अभी परेस इन्फो डाटाबेस बना चुका है, बना ऑलरेडी बन चुका है. तो इधर मैं रिफ्रेश कर दूंगा, रिफ्रेश करके इधर फिर एक्सपांड करके कर दूंगा ना डाटाबेस को, जब रिफ्रेश कर सकते हैं रिफ्रेश कर दूंगा ना, तो मेरा इधर शो कर रहा है एक डाटाबेस, है ना. तो मल्टीपल डाटाबेस क्रिएट कैसे बनाएंगे, एक तो हम बना दिया तो यह दोबारा कैसे मल्टीपल डाटाबेस हम क्रिएट करेंगे. तो सेम कमांड है उसको ना रिपीट करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. सपोज यूजर इन्फो, यूजर इन्फो नेम पे बना देता हूँ मैं, यूजर इन्फो एंड यूजर डाटाबेस, न्यू जॉइनर इन्फो, न्यू जॉइन इन्फो जो भी हमारे कंपनी में न्यू जॉइन है ना उनका इन्फॉर्मेशन उधर उसका अंदर मैं स्टोर करूँगा, है ना. और एक बनाऊंगा आप लोगों को पता होना के लिए, लॉग इन इन्फो है ना, क्रिएट डेटाबेस लॉग इन इन्फो, है ना. क्रिएट थ्री डाटाबेस में एक साथ क्रिएट करूँगा, उनको एग्जीक्यूट करूँगा अभी, समझ लो. तो हो गया कमांड सक्सेसफुली आ गया, थ्री डाटाबेस मेरा एक साथ क्रिएट हो गया. इधर दिखा देता हूँ, है ना, एंड नहीं तो ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट में जाके मैं डाटाबेस को एक्सपोर्ट करके मिनिमाइज करके रिफ्रेश करूँगा, फिर इसको एक्सपेंड करूँगा, तो उसका अंदर थ्री डाटाबेस मेरा बन चुका है. जो अभी रिसेंटली थ्री बनाया है, पहले से बनाया था आपको दिखाया था, चार हो गया, है ना. तो मैं डाटा उस समय डाटाबेस का अंदर हो गया. तो क्वेश्चन इज, फिर नाउ आप मुझे सवाल करोगे, इधर तो मास्टर है तो हम इतना सारा डाटाबेस क्रिएट कर दिया, वो डाटाबेस को हम फिर कैसे बनाएंगे. क्वेश्चन हाउ टू यूज द डाटाबेस, तो हम डाटाबेस को कैसे यूज करेंगे, बना तो दिया है हमने, है ना. वो क्वेश्चन है, हम जीरो से जीरो होंगे, हम पहले जीरो से लेवल फोर तक नहीं जाएंगे, जीरो से हम हीरो एक दो तीन ऐसे सीख के जाएंगे. तो बेसिक से सिखाऊंगा एकदम, क्योंकि मैं भी जीरो से सीख के आया हूँ, यूट्यूब देख से सीख के आया हूँ, आप लोग भी वैसे सिखाऊंगा. बहुत ईजी कंसेप्ट से सबसे एक्सप्लेन, इतना हार्ड नहीं है, मैं अच्छा से बताऊंगा, एक एक टॉपिक कवर करके जाऊंगा, स्लोली स्लोली हम जाएंगे. ठीक है, गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम, जैसे आप लोगों को पता है, राइट ना. ठीक है, हम डाइवर्स नहीं करेंगे, तो यूज़ करेंगे डाटाबेस का अंदर, जो जो डाटाबेस बनाया है ना अभी यूज़ करूँगा. यूज़ करने के लिए सिंटेक्स है,
छोड़ो ठीक है, मेरे जरूरत नहीं है, पता होगा आपको। यूज सफर में न्यू यूजर यूजर इन्फो, इधर इन्फो करूँगा मैं, इधर यूजर इन्फो शो कर रहा होगा, देख रहा था बहुत सारा शो कर रहा, मैं इधर वीडियो करूँगा यूजर इन्फो, पहले टाइप करना पड़ेगा यूजर इन्फो है ना, तो यूजर इन्फो कर दिया तो मैं फिर कर दूँगा। देखो मैं यूजर इन्फो का डाटाबेस शो चला गया, कमांड सक्सेसफुल है, जैसे आपको पता चलेगा। इधर इधर देखो यूजर इन्फो शो कर रहा है ना, यूजर इन्फो शो कर रहा है, सब बस मैं चले जाऊँगा दोबारा दूसरा। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ लॉग इन इन्फो है ना, लॉग इन इन्फो ये शो करे डाटाबेस में ना, मैं टैब दबा दूँगा आ जाएगा टैब है ना, टैब दबा देंगे आ जाएगा, फिर मैं उसको एग्जिट कर दूँगा, इसी डाटाबेस के अंदर चला गया जैसे आप इधर शो करता होगा ना। ऐसे हम करंट डाटाबेस को बहुत डाटाबेस को यूज कर सकते हैं एट ए टाइम है ना। यूज न्यू जॉइनर फिर टैब दबा दिया हाँ, तो टैब दबाने के बाद फिर एग्जीक्यूट कर दूंगा, इसी डाटाबेस के अंदर चला गया। तो हमको पता चल गया हाउ टू क्रिएट डाटाबेस ना, हाउ टू यूज द डाटाबेस। एंड थर्ड क्वेश्चन एज पर आवर रिक्वायरमेंट हाउ टू क्रिएट अ टेबल, टेबल हम बनाएंगे फिर अभी। टेबल जैसे आपको पता होगा टेबल, तो टेबल आपको मैं टेबल पहले से मैं आपको सिखा देता हूँ। टेबल बनाने से पहले मैं दो तीन पॉइंट आपको याद दिला देता हूँ, सब लोग पता होगा कि नहीं पता होगा, एज ए बिगिनर मैं बता देता हूँ, मैं ओनली बिगिनर के लिए वीडियो शेयर करता हूँ। टेबल हम क्रिएट क्यों बनाएंगे, व्हाट इज टेबल, हम टेबल क्यों बनाएंगे। जैसे आपको पता होगा एक्सक्यूएल का नाम क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो डाटा किसी हिसाब से रहेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहेगा। तो स्ट्रक्चर मीन्स कौन सा फॉर्मेट में रहेगा, कॉलम एंड टेबल के फॉर्मेट में रहेगा डाटा है ना। तो डाटाबेस में आपको पता हो गया कि एमएस एक्सेल में जो भी डाटा, MySQL में जो भी डाटा, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से रहता है। वो जो हम एक यूज कर रहे हैं ना वो है आरडीबीएमएस, एक्सक्यूएल है एक लैंग्वेज, उसी की यूज करके हम आरडीबीएमएस में डाटा स्टोर करेंगे कॉलम एंड टेबल के थ्रू, समझ रहे हो। तो वही टेबल हम बनाएंगे, वो जो टेबल हम बनाएंगे डाटा को स्टोर करने के लिए बनाएंगे कॉलम एंड रो के थ्रू, समझ रहे हो। तो वही टेबल हम बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए कमांड क्या है, सेम कमांड है, आज हम क्रिएट का ऊपर हम जाएंगे। फिर बहुत सारा कमांड आते हैं DBML, DDL, DML, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज, सब कुछ मैं बता दूंगा आपको है ना, बहुत इजी टॉपिक है, एक्सप्लेन इतना हार्ड नहीं है। क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम देंगे, सिंपली टेबल नेम हम क्या देंगे, अभी कौन सा डाटाबेस का हम अंदर है, न्यू जॉइन इंफॉर्मेशनल है ना, न्यू जॉइन जो है उनका इंफॉर्मेशनल उसका अंदर रहेगा, तो उसी हिसाब से हम टेबल बनाएंगे। क्रिएट टेबल सिंटेक्स है, फिर टेबल का हम नाम देंगे है ना, टेबल का नाम क्या देंगे हम, सपोज न्यू यूजर डाटा है ना, न्यू यूजर डाटा। उसके बाद मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है, थोड़ा याद रख लीजिए, उसका वीडियो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, पहले आपको मैं बता रहा हूँ कैसे क्रिएट करना है, समझ रहे हो। टेबल इसके बाद हम बनाने का टाइम जो है हमको वो वैल्यू पुट करना पड़ता है कि न्यू जॉइनर का पहले क्या होता है, आईडी होता है। सपोज आप न्यू जॉइन है, कंपनी का जॉइन किया है, आपका केयर कंपनी का पहले कब देंगे, वो लोग एक लैपटॉप सबमिट करेंगे, पहले आपको एम्प्लॉय कोड देंगे कि आपका वो कंपनी का पहचान है, आपका नेम है, आपका एम्प्लॉय आईडी है, फिर वो आईटी जो बंदा होगा पहले वो आपको लैपटॉप सबमिट करेगा है ना, उसी डाटा को हम उधर स्टोर करेंगे है ना। तो पहले एम्प्लॉय का आईडी होगा राइट, एम्प्लॉय का आईडी होगा, वो आईडी जो होगा वो इंटीजर होगा, इंटीजर मीन्स नंबर, आपको इसे पता होगा, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट बार वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, व्हाट इज डाटा टाइप एंड व्हाट इज कॉन्स्टेंट्स, ओके मैं बता दूंगा। तो उसमें हम कॉन्स्टेंट लेंगे कि फिर यूनिक नॉट नॉल लेंगे, पहले नॉट नॉल
यूनिक, यूनिक नॉट नल इमेज इधर क्यों लिखा हूँ मैं बता देता हूँ, नॉट नल सब यूजर का एम्प्लॉय आई डी मैंडेटरी है जैसे आपको पता होगा, इसीलिए नॉट नल वो कभी खाली नहीं रहेगा। एंड यूनिक मीन्स वो यूनिक वैल्यू है, यूनिक है कि आपका जो एम्प्लॉय आई डी है मेरा वो एम्प्लॉय आई डी नहीं होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसीलिए मैं इधर यूनिक दिया हूँ एंड नॉट नल दिया हूँ। नॉट नल यूनिक क्या है एंड डाटा टाइप वो क्या है, इंट क्या है, इंट तो लिखा हूँ वो एक डाटा टाइप है जैसे लिखा होगा डाटा टाइप इंट, एंड वो है नॉट नल क्या है, यूनिक क्या है, यूनिक है कॉन्स्टेंट एंड नॉट नल है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट एंड टेलिंग यू। ओके तो हम स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉय आई डी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम देंगे, नेम तो मैंडेटरी है ना यार, नेम देंगे, नेम क्या देंगे भाषा से बताया, भाषा क्या है वो सब पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, पहले सुन लीजिए कैसे क्रिएट होता है ना भाषा, वो नॉट नॉट नहीं होना चाहिए, वो भी खाली नहीं होना होगा, समझ लो। उसके बाद मैं देखूँगा एम्प्लॉय लोकेशन, एम्प्लॉय लोकेशन है ना, एम्प्लॉय लोकेशन दिया, लोकेशन भी भाषा होगा ठीक है, भाषा में दे देता हूँ 30 देता हूँ, 20 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, वो दे दूँगा, वो कुछ नहीं डिफाइन करता हूँ ठीक है, तो इतना ही मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा, समझ लो। तो मैं टेबल भी बन जाएगा, देखो कमांड सक्सेसफुली हो गया, तो मेरा अभी टेबल कैसे चेक करते हैं, टेबल कैसे शो करता है मैं आपको दिखाऊंगा। एक टेबल हम बनाया, सिर्फ वो टेबल बनाया है, टेबल का अंदर जो वो है ना ई आई डी एंड ई नेम, वो है टेबल का अंदर कलम, कलम जैसे ऊपर हेडर होगा ना वो कलम है ना, उसका डाटा टाइप है, डाटा टाइप क्या होगा मैं बता दूंगा। अभी डाटा जो टेबल बना है उसको हम सपोज शो देखेंगे, कैसे देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फॉर्म, हम टेबल का नाम क्या है न्यू यूजर डाटा है ना, सॉरी न्यू यूजर डाटा टैब दबा देंगे, तो हम फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करें देखो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, लोकेशन, टेबल बन गया है, वो टेबल का फॉर्मेट है ना, टेबल का इधर एक्सपेंड कर दिया हम, जियो है ना इसीलिए मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, बट सपोज आप यू आर यूजिंग लिनक्स इंटरफेस ना, लिनक्स इंटरफेस देन इट वोंट पॉसिबल फॉर यू, तो इसीलिए हो गया एक्सपेंड कर लिया मैं, वो सिर्फ टेबल का फॉर्मेट बना दिया, जो भी डाटा हम इंसर्ट करते जाएंगे उसका नीचे ऐसे 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 विंडो फॉर्मेट में फिल होते जाएगा, समझ लो। तो आज इतना ही रखेंगे हम, ज़्यादा डीप फिल नहीं जाएंगे, तो हम क्या क्या सीखें, हाउ टू चेक टेबल, तो हम क्या क्या सीखे पहले आज, हाउ टू क्रिएट डाटाबेस वो उसका सिंटेक्स है, एंड हाउ टू क्रिएट मल्टीपल डाटाबेस, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल डाटाबेस, मल्टीपल डाटाबेस को हम कैसे क्रिएट करेंगे है ना, एंड हाउ टू यूज डाटाबेस उसका वो सिंटेक्स है, एंड हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू क्रिएट टेबल, टेबल बनाना कैसे हम सीखे, एंड टेबल के जो बनाया उसको कैसे हम चेक करेंगे वो हम सीख लिया आज है ना, वो चार चीज़ याद रख लेना, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा। थैंक यू सो मच, विल मीट यू द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, गुड बाय।